एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे इस कहानी में हमने अब तक देखा कि वो अपने असिस्टेंट से दूसरा कोई डिजाइनर ढूंढने को कह ही रहे थे कि तभी अनाया स्टडी रूम का डोर खोलकर अंदर आती है। उसने अपनी डैड और उनके असिस्टेंट नितिन की बीच की सारी बातें सुन ली थी। जब किसी को स्टडी रूम में आते देखते हैं तो हर्षवर्धन मित्तल अपना सिर ऊपर कर देखता है को कौन है। जब वो अपनी प्यारी बेटी को देखते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, बेटा आप आज जल्दी आ गई। जिस पर अनाया उनको बताती है कि उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, इसलिए वो टीचर की परमिशन लेके आ गई। उसके डैड उसकी बात सुनकर बस अपना सिर हिलाते उसे कुछ नहीं कहते। अनाया अपने डैड के असिस्टेंट नितिन की तरफ एक नजर देखकर फिर अपने डैड की तरफ देखकर कहती है, डैड आप कुछ परेशान नजर आ रहे हो, आप मुझको बता सकते हो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। अनाया के डैड अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और उसको अपनी सारी परेशानी बता देते हैं। उनको पता था कि उनकी बेटी कितनी काबिल है। अनाया अपने डैड की सारी बातें सुनने के बाद उनसे कुछ कहती है, जिसे सुनने के बाद उसके डैड और उनके असिस्टेंट नितिन के चेहरे पर मुस्कराहट आ जाती है। अब आगे अपने डैड और उनके नितिन के साथ कुछ डिस्कस करने के बाद अनाया अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने कमरे में जाके अपने स्टडी टेबल पर बैठ के अपनी ड्राइंग बुक निकल कर उसमें कुछ कैच करने लगती है। कैच करते करते बहुत टाइम बीत गया था, उसको इस बात का पता ही नहीं चला। डिनर का टाइम हो गया था, एक सर्वेंट आकर उसको डिनर के लिए बुलाने आता है। तब उसको पता चलता है कि वो कितनी देर से बैठ के डिजाइन बाबा रही है। वो अपने बनाए हुए डिजाइन पर एक नजर देखती है, फिर ड्राइंग बुक को क्लोज करके फ्रेश होकर नीचे डिनर करने चली जाती है, जहां पर उसकी सारी फैमिली उसी का इंतजार कर रही थी। सभी खुशी खुशी डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अनाया अपने रूम में आके पहले अपना ड्रेस चेंज करके नाइट सूट पहन लेती है। उसके बाद वो अपनी बुक्स निकल कर पढ़ाई करने बैठ जाती है। उसने पिछली जिंदगी में ने सब पढ़ा था, फिर भी अब उसको थोड़ा तो पढ़ना ही था। उसके एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे, उसने पहले ये सब पढ़ा था और एग्जाम भी दी थी, तो इस बार इसको पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। वैसे भी वो पहले से ही स्कॉलर थी। कुछ लगभग 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद वो बेड पर सोने चली जाती है। बेड पर लेटते ही उसको नींद आ जाती है। सिंघानिया विला। आधी रात के समय सिंघानिया विला के 3rd फ्लोर पर बने मास्टर बेडरूम की लाइट जल रही थी। उस रूम में एक 18 साल का लड़का अपने लैपटॉप के आगे बैठा था। इस वक्त उसके आसपास का ऑरा बेहद ही खतरनाक लग रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही थी। कुछ ही समय उस लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई और उस लड़के की उंगलियां अपनी जगह पर ही रुक गई। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अगर कोई उसको ऐसे स्माइल करता देखता तो डर के मारे बेहोश हो जाता। तभी उस लैपटॉप की स्क्रीन, जो थोड़ी देर पहले ब्लैक हो गई थी, उस पर एक डीन के आवाज के साथ बेहद सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी जो उस लड़के को चाहिए थी। ये और कोई नहीं, सिंघानिया कॉरपोरेशन का सीईओ अयान सिंघानिया है, जो कि हमारी इस कहानी का हीरो भी है, जो अभी सिर्फ 18 साल का है। उसने जब वो 15 साल का था तब से कंपनी ज्वाइन की थी। उस वक्त सिंघानिया कॉरपोरेशन की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, वो लगभग डूबने की ही कगार पर थी। पर जब से अयान ने कंपनी ज्वाइन की थी, अब वो इंडिया की टॉप 10 कंपनी में से एक है। कंपनी में काम करने वाला या कंपनी के शेयर होल्डर में से किसी को भी नहीं पता था कि अयान सिंघानिया कैसा दिखता है, उसकी आगे क्या है। वो बस इतना ही जानते थे कि उनके बॉस का नाम एएस है। अयान सिंघानिया कंपनी का जो भी काम हो वो सब घर से ही संभालता था। ऑफिस में उसकी जगह उसका वफादार आदमी कबीर मेहरा सब संभालता था। जब कोई जरूरी काम हो तो ही अयान कंपनी जाता था, वह भी वो पूरी तरह से खुद को कवर करके जाता था। कोई भी उसको पहचान नहीं पता था। आज तक उसने जिस भी काम में या डील में हाथ डाला वो सक्सेसफुल हो ही जाती थी। अयान की और भी बेहद सारी मिस्टीरियस आइडेंटिटी थी।
अयान इतने बड़े सिंघानिया मेंशन में अकेला रहता था। उसके मॉम और डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो सिर्फ 15 साल का था। उसके मॉम डैड के मौत का फायदा उठाकर उसके रिश्तेदार उसकी कंपनी हड़पना चाहते थे और वो लोग इन सब में कामयाब भी हो गए थे, पर अयान ने बड़े ही चालाकी से अपनी कंपनी को की उसके डैड की मेहनत की कमाई थी उसको वापस हासिल कर लिया और बिजनेस वर्ल्ड में एएस के नाम से जाना जाता था, जो कि इंडिया का टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक था। अभी अभी अयान ने महेश कुमार के कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन हैक कर ली थी, क्योंकि उसने सिंघानिया कॉरपोरेशन के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की थी, जिसकी सजा अब उसको मिलनी थी। शायद उसको अपनी कंपनी से ही हाथ धोना पड़ा जाए। अयान उस सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास मौजूद एक पेन ड्राइव में सेव कर देता है। अपना लैपटॉप क्लोज करके वो अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है। उसका चेहरा अभी भी ब्लैक मास्क से ढका हुआ था, जिसमें बस उसकी नीली आंखें और पतले होंठ ही देख रहे थे। उसने जो मास्क पहना था वो ठीक वैसा ही था जैसे क्रिस मूवी में क्रिश ने पहना था। अगली सुबह अयाना जल्दी उठकर फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर जल्दी से नीचे डाइनिंग टेबल पर जाके ब्रेकफास्ट कर अपने स्कूल के लिए निकल गई। वो जब स्कूल के गेट से अंदर आई तो उसकी मुलाकात रावी से हो गई, जो कि शायद उसी का वेट कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे से बातें करते करते अपनी क्लासरूम में एंटर करते हैं। रावी और अनाया अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाते। जल्दी ही उनकी क्लासेस स्टार्ट होते हैं। एक के बाद एक लेक्चर होने के बाद लंच ब्रेक में वो कैंटीन में जाके अपना लंच करते हैं। उसके बाद की उनके लेक्चर ऑफ द इसलिए अनाया रावी को लेके म्यूजिक रूम की तरफ चली जाती है। रावी भी अनाया के साथ खुशी खुशी चली जाती है। वैसे भी अनाया ने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था और सिंगिंग कंपटीशन में अब सिर्फ 1 मंथ ही बचा था। उसके बाद अनाया की एग्जाम भी स्टार्ट होने वाली थी। अब जब उसके पास टाइम था तो वो थोड़ी रिहर्सल करना चाहती थी। रावी को पता था अनाया बेहद अच्छा गाती थी। उसको अनाया को गाते हुए सुनना बहुत अच्छा लगता था। अनाया के गाने में एक अलग ही सुकून महसूस होता था। उसकी आवाज ऐसी थी कि किसी के भी दिल को छू जाए। कोई भी अनाया की आवाज सुनके मंत्रमुग्ध हुए बिना रह ही नहीं सकता था। वो दोनों जब म्यूजिक रूम में एंटर करते हैं तो उनकी वहां पर सुरभि और नेहा भी दिखती है। उन्हीं के साथ सुरभि और नेहा की चमचिया भी वहां पर थी। सुरभि और नेहा जब रवि और अनाया को म्यूजिक रूम में एंटर करते देखते हैं तो उन्हें देख के पहले तो दोनों को बेहद गुस्सा आ जाता है, पर बाद में उन दोनों के दिमाग में कुछ आता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हैं। सुरभि अपने जगह से खड़े होकर अनाया के सामने आकर खड़ी होती है। आज पहली बार था जो ऐसे अनाया और सुरभि आमने सामने आए हो। अनाया के रिबॉन के बाद अनाया को की म्यूजिक रूम को देखने में ही बिजी थी। वो पहली बार स्कूल के म्यूजिक रूम में आई थी, इसलिए वो सब जगह पर देख रही थी कहां पर क्या है। तभी कोई उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख के उसकी आंखें लाल होने लगती है। गुस्से से उसकी नसें तन जाती है। वो सुरभि की गुस्से से कुछ कहती उससे पहले ही रावी अनाया का गुस्से भरा चेहरा देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसको शांत होने का इशारा करती है। अनाया जब रावी का हाथ खुद के हाथ पर देखती है तब वो अपने होश में आती है। आसपास देखती है तो उसको बान होता है वो किस जगह पर खड़ी है और वो गुस्से में कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। वहां मौजूद सभी उन्हीं की तरफ देख रहे थे। अनाया अपने आप को नॉर्मल करती है। वो खुद से ही कहती है, रिलैक्स अनु, तुम इसे इस पर गुस्सा नहीं उतर सकती। इसको तो बेहद बुरी सजा मिलनी बाकी है, पर अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आता है। कंट्रोल योरसेल्फ। अनाया अपने गुस्से के एक्सप्रेशन पल भर में चेंज करके सुरभि की तरफ देखती है। सुरभि तो पहले अनाया की गुस्से बारी आंखें देखकर डर ही गई थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था, पर अचानक उसकी आंखें शांत हो गईं और वो नॉर्मल होकर उसके तरफ देखकर उसे ऐसे देख रही थी कि तुम मेरे रास्ते में क्या कर रही हो। कुछ काम था अगर नहीं है तो हटो सामने से।
सुरभि नेहा के उसके कंधे पर हाथ रखने से अपने होश में आती है। वो अनाया के चेहरे पर सवाल देखकर समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। वो पहले उसने अनाया की आंखें में जो गुस्सा देखा था उसको अपना वहम समझती है, फिर अपने चेहरे पर स्माइल लाके अनाया से कहती है, ही तुम अनाया हो ना 9th standard class number 10 में सुरभि, 9th standard class number 1 मैंने सुना है तुमने भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अनाया सुरभि की बात पर अपने चेहरे पर एक अजीब से स्माइल के साथ सुरभि की तरफ देखकर कहती है, हाँ मैंने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया है, तो उससे तुमको क्या, तुम मेरे रास्ते में ऐसे क्यों खड़ी हो साइड हो, मुझे अपना काम करने दो। अनाया का जवाब सुनकर सुरभि के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले स्माइल थी वो गुस्से में बदल गई, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से ही हो गए। फिर भी वो खुद को संभल कर शांत करके अनाया से कुछ कहने वाली थी, तभी अनाया उसको इग्नोर करके रावी का हाथ पकड़कर अपने साथ आगे लेके चली जाती है। सुरभि वहां ऐसी ही खड़ी रही, बाकी के सारे स्टूडेंट जो कब से ये तमाशा देख राज थे वो मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। उन सबको पता था सुरभि ऐसे ही सब पर अपनी दोस्त जमती थी, पर अब उसको किसी ने इग्नोर करके उसके मून पर तमाचा मारा था। वही सुरभि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियां कस ली थी। उसके नाखून उसकी मुट्ठी में दस रहे थे जिससे उसके हाथ से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा था, पर उसको इस बात का कोई होश ही नहीं था। सुरभि पीछे मुड़कर अनाया की तरफ देखती है जो कि म्यूजिक टीचर से कुछ बात कर रही थी। सुरभि उसके तरफ देख कर अपने मन ही मन कहती है, अनाया तुमने आज जो भी किया वो ठीक नहीं किया, अगर मेरी मजबूरी न होती तो मैं अभी तुमको अच्छा सब सीखती और तुमको बताती थी। सुरभि राजावत चीज क्या है, पर कोई बात नहीं, जल्द ही तुमको मैं अच्छे से जो तुमने आज किया है उसका बदला लूंगी। इतना कहकर वो नेहा का हाथ पकड़ के म्यूजिक रूम से बाहर निकल जाती है। नेहा तो अभी जो कुछ भी हुआ वो देख कर ही हैरान थी, वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि सुरभि उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ लेके चली जाती है। वो सुरभि से कुछ कहने ही वाली थी कि जब सुरभि के चेहरे पर गुस्सा देखती है तो वो अपने शब्द मुंह में ही रखती है, क्योंकि वो सुरभि के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थी। तमाशा खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट भी वहां से हट जाते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। सुरभि के म्यूजिक रूम से निकलते हुए अनाया देख लेती है, उसे देख के अनाया के चेहरे पे एक अजीब सी ही मुस्कुराहट थी जो वो जल्दी ही किसी के भी नजर में आने से पहले हटा देती है। अनाया का तो सुरभि को देखते हैं मूड खराब हो गया था, वो अब उसको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब से उसको उसकी सच्चाई पता चली थी वो अब पिछली बार वाली गलती नहीं करने वाली थी। उसका रिबॉर्न हुआ था, वो पहली की तरह सुरभि से दोस्ती नहीं करने वाली थी। वो उसको फिर से अपने परिवार में एंटर करने का कोई भी मौका नहीं देने वाली थी। उसको इस बार पिछले बार जो भी हुआ था उन सभी घटनाओं को बदलना था, उसी के चलते वो अपने परिवार की मौत के मुंह से बचा सकती थी। इसलिए अब उसको खुद को भी इतना कैपेबल होना था कि कोई भी उसको या उसके परिवार को हॉट न कर सके। वो ये सब सोच ही रही थी तभी रावी उसकी अपने ख्यालों से बाहर निकलती है। वो अनाया की तरफ देखकर कहती है, अनु क्या हो गया है तुमको, तुम खुद के लिए स्टैंड के रही हो ये अच्छी बात है, पर ये क्या तुम हमेशा किसी ख्यालों में खोई रहती हूँ, तुम ठीक तो हो ना। रावी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है, वो अनाया की तरफ अपनी शक भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, अनु तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना। रावी के इस सवाल से एक पल के लिए तो अनाया हड़बड़ा जाती है, पर जल्दी ही संभल जाती है। वो रावी की तरफ देख कर कहती है, रावी तुम भी क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होता तो मैं तुमको नहीं बताती क्या। रावी को अब भी अनाया की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो अब भी उसके तरफ अपनी शक भरी निगाहों से देख रही थी। उसको ऐसे खुद को शक भरी निगाहों से गुर्ता पाकर अनाया उसकी तरफ देख के कहती है, क्या तुम ऐसे क्यों देख रही हो।
अनाया अपने दोनों हाथ जोड़ के उससे कहती है, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मेरी माँ कुछ बात होगी तो सबसे पहले तुम्ही बिल बताऊंगी। यू नो ना यू माय बेस्ट फ्रेंड यार। रावी श्रेया की मिट्टी मीठी बातों में आ जाती है। दोनों इसी तरह बातें करते करते म्यूजिक रूम से बाहर चले जाते हैं। अनाया को रावी से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, पर वो उसको अपने रिबॉन के बारे में बता भी तो नहीं सकती थी, इसलिए वो भगवान से झूठ बोलने पर अपना एक कान पकड़कर सॉरी कहती है। उसको ऐसे कान पकड़ते किसी ने नहीं देखा। वो जल्दी से अपना हाथ कान से हटा देती है। रावी और अनाया ऐसे ही बातें करते करते अपने क्लासरूम में आते हैं। अब उनकी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था तो वो दोनों अपना बैग लेके स्कूल के गेट के बाहर चली जाती है। रावी को लेने के लिए पहले से ही वहां पर कार खड़ी थी तो रावी उसमें बैठ जाती है। अनाया उसको बाय करती है। रावी वहां से अपने घर चली जाती है। अनाया रावी की कार को अपनी नजरों से ओझल होता देख के अपने घर जाने के लिए मुड़ती है तो उसको थोड़ी दूर पर अपने डैड की कार खड़ी दिखती है। उस घर के बाहर उसके डैड का असिस्टेंट नितिन खड़ा था, जिसे देख वो उस तरफ चली जाती है। अनाया को आता देख डैड का असिस्टेंट नितिन कार का बैक डोर खोलता है और अनाया को बैठने का कहता है। अनाया भी कार में पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अनाया के बैठने के बाद नितिन भी आगे ड्राइवर सीट के बाजू वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद ड्राइवर कार चालू करके एएम ज्वेलरी मॉल की तरफ अपनी कार बढ़ा देता है। अनाया की कार एआर ज्वेलरी के शॉप के आगे रुकती है। अनाया का डैड का असिस्टेंट नितिन कार से बाहर आकर अनाया के लिए कर जा गेट खोलता है। अनाया कार से बाहर निकल नितिन को थैंक यू अंकल कहती है। नितिन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे बेहद अच्छा लगता है कि उसकी मिस उसको इतने अच्छे से ट्रीट कर रही है। उनको किसी चीज का घमंड ही नहीं था। श्रेया अपनी ज्वेलरी स्टोर की तरफ बढ़ती है, उसके पीछे पीछे नितिन भी चलता है। अनाया स्टोर के कुछ दूरी पर जाके रुकती है तो उसको अपने स्टोर के बाजू में ही दो स्टोर छोड़कर एक ज्वेलरी स्टोर दिखता है, जिसमें लोगों की भीड़ नजर आती है। वो उस स्टोर का नाम पढ़ती है तो उस पर एसके ज्वेलर्स लिखा हुआ था। अनाया नितिन की तरफ देखकर कहती है, नितिन अंकल वो स्टोर किसका है, उसमें लोगों की भीड़ नजर आ रही है। नितिन अपने मिस की बात सुनकर उस स्टोर पर एक नजर डालता है और अपने आंखों में नफरत लेके अनाया से कहता है, मिस वो एसके ज्वेलर्स खुराना इंडस्ट्री की सब्सिडी कंपनी में से एक है। हाल ही में उन लोगों ने पहाड़ की खुदाई की थी, उसने उनको बेहद सारे कीमती पत्थर मिल गए जो कि गहने बनाने के लिए जरूरी है। उन कीमती पत्थरों में रूबी, मानिक किंग्स और इसे ही बेहद कीमती डायमंड के पत्थर है, जिनसे वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखा है और वो अब पूरी ज्वेलरी मार्केट को अपने अंदर लेना चाहते हैं। अनाया नितिन की बात ध्यान से सुनती है। इस बारे में उसने कुछ कुछ अपने पिछले जन्म भी सुना था, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसके डैड की ज्वेलरी इंडस्ट्री में लॉस होने लगा तो उसने उनकी मदद की थी, वो भी उनको बिना पता लगाए। वो अपने डैड की कंपनी की ज्वेलरी डिजाइनर बन गई थी। जब से उसने उनके कंपनी में डिजाइनर का काम स्टार्ट किया था, तब से वो कंपनी अपनी ऊंचाई को छूने लगी थी। अनाया को लागत है इस बारे में उसके डैड को या परिवार में से किसी को भी पता नहीं था, पर ये सब उसकी गलत फहमी थी। उसके फैमिली को उसके ही उनकी कंपनी में डिजाइनर होने के बारे में सब पता था। एआर ज्वेलरी कंपनी अनाया के ही नाम पर थी, इस बारे में श्रेया कुछ पता नहीं था। एक्चुअली अनाया के मॉम का अपना था, उनको ज्वेलरी डिजाइन का बेहद शौक था। उनने हो इस कंपनी को स्टार्ट किया था जी। आज अनाया के डैड ने बेहद ऊंचे मुकाम पर लेकर खड़ी कर दी थी, पर अभी कुछ महीनों उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। एआर ज्वेलरी की मुंबई शहर में कुल मिला के 12 स्टोर थे। अभी श्रेया उन्हीं में से एक सबसे बड़े स्टोर में आई थी। वो देखना चाहती थी कि अंजर प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों उनके स्टोर की कंडीशन इन कुछ महीनों में इतनी खराब हो गई है। ये स्टोर एआर ज्वेलरी का सबसे बड़ा स्टोर था और ठीक उसके ऊपर पूरी एआर ज्वेलरी का ऑफिस था, जहां पर ज्वेलरी डिजाइन और तैयार की जाती थी। यही से ज्वेलरी सारे स्टोर पर जाती थी।
एआर ज्वेलरी कंपनी अभी भी उतनी बड़ी नहीं थी, पर ये मुंबई में टॉप 5 में से एक थी। अब अनाया ने इस कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अनाया उस स्टोर के अंदर जाती है और उस स्टोर को अच्छे से देखने लगती है। वो ज्वेलरी की क्वालिटी चेक करती है। वो वहाँ पर मौजूद एक ज्वेलरी काउंटर पर जाती है, ज्वेलरी देखने लगती है। वो वहाँ पर खड़ी सेल्स लेडी को ज्वेलरी के बारे में कुछ पूछती है। वो सेल्स लेडी पहले तो उसको ऊपर से नीचे देखती है। अनाया ने इस वक्त स्कूल के ही कपड़े पहने हुए थे। अनाया को देख के वो अटेंडेंस बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है, मैडम प्लीज ये पर किसी भी ज्वेलरी को हाथ मत लगाए, ये बेहद महंगा है, अगर कुछ हो गया तो क्या आप इसकी भरपाई करेगी, आप बस ऊपर से ही देख सकती हैं। वो ये सब बेहद ही अजीब तरह से कह रही थी। वो बड़बड़ाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता और आ जाते हैं यह मुंह उठा के। उसकी बातें अनाया ने सुन ली थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करके उस सेल्स लेडी की तरफ देखती है। उसे उसके आईडी पर उसका नाम दिखता है जो कि मेगा राजावत था, जिसे पढ़कर अनाया को कुछ याद आता है। ये वही थी जिसने एआर ज्वेलरी में बेहद बड़ा हंगामा किया था, जिससे एआर ज्वेलरी बंद पड़ते पड़ते बची थी, और ये भी विक्रांत राजावत का एक प्यादा थी। अनाया उसको नजरअंदाज करती, वो अभी उसे कुछ नहीं कहती। वो दूसरे ज्वेलरी काउंटर पर जाती है। वहां मौजूद सेक्स लेडी उसको बड़े ही पॉलिटली वेलकम करती है। वो अनाया से कहती है, हेलो मैम, मे आई हेल्प यू। अनाया उससे बेहद सैटिस्फाइड होती है। इसी के तरह एम्प्लॉय की जरूरत थी एआर ज्वेलरी को। उस लेडी की आगे ज्यादा नहीं थी, वो यू ही 23 के आज पास होगी। उसमें गमर नहीं था, वो अपना जॉब प्रमाणिक बने कर रही थी। ये मेगा राजावत को पसंद नहीं आता। वो उसे टोंट मारने के लहजे में कहती है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन रिसीव्ड दैट टाइप ऑफ पर्सन। उसकी बात सुन के वो सेल्स लेडी जिसने अभी अनाया से इंटरेक्ट किया था, वो अपनी नजर नीची करती है। उसको मेगा ने जो कहा वो अच्छा नहीं लगा, पर वो मेगा को कुछ नहीं कह सकती थी, वो वहां पर उसकी सीनियर थी। अनाया उस सेल्स लेडी के आईडी पर उसको नाम देखती है और उससे कहती है, निशा क्या तुम अपने मैनेजर को बुला सकती हूँ, मुझे उससे कोई काम है। अनाया की बात सुनकर वो सेल्स लेडी जिसका नाम निशा था वो घबरा जाती है। वो अपना सिर ऊपर करके अनाया की तरफ देखकर उससे कहती है, मैम आई एम सॉरी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज आप मैनेजर को कुछ मत कहना। अनाया निशा जी तरफ देखती है जो कि बेहद घबराई हुई लग रही थी। वो उसकी तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में कहती है, ये तुम क्यों घबरा रही हूँ, मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करने वाली, मुझे इस स्टोर के मैनेजर से कुछ कम है, क्या तुम उनकी बुला सकती हो। अनाया की बात से निशा शांत होती है। अनाया से हाँ कहकर वो अपने मैनेजर को बुलाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद पहले सेल्स लेडी मेगा अनाया को टोंट मरते हुए कहती है, इस स्टोर की मैनेजर क्या इसे ही बैठी है क्या, बिना किसी काम से जो कोई भी मुंह उठाकर आए और कहे मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है, और कुछ लोगों को दिमाग ही नहीं होता, वो भी उसकी बात मानकर मैनेजर को बुलाने चली गई हूँ। अनाया ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर किया। वो स्टोर में मौजूद चीजें देखने लगी। ज्वेलरी तो सभी अच्छी थी, पर उन सब का डिजाइन ओल्ड लग रहा था, उसमें न्यू कुछ नहीं था। साथ में ही स्टोर के अंदर इंटीरियर अच्छा था, लग्जरियस, पर वहां पर लाइट की प्रॉब्लम थी। लाइट थोड़ी कम थी, जिस वजह से यहां पर मौजूद ज्वेलरी और बाकी की चीजें उठकर दिखाई नहीं दे रही थी। अनाया सारी चीजें नोट कर रही थी, तभी वहां पर मित्तल ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी कि अनाया के डैड का असिस्टेंट नितिन आ जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले अर्जेंट कॉल आने के वजह से साइड में कॉल अटेंड करने को गए थे, जिस वजह से अभी यह पर क्या हुआ था उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो अनाया से कुछ कहते उससे पहले ही अनाया उनको आंखों के इशारे से ना कहती है, जिसे समझकर वो एक साइड खड़े होते हैं। थोड़ी देर में ही निशा अपने साथ स्टो मैनेजर को लेके आती है। मैनेजर एक 30 साल की लेडी थी, जिसने इस वक्त एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, बालों की हाई पोनी बनाई थी, लाइट मेकअप किया था, वो बेहद ही खूबसूरत
उसी के साथ टैलेंटेड भी थी, इसलिए ही वो अभी इस टोकी मैनेजर की पोस्ट पर है जो कि मुंबई में AR ज्वेलरी के अंदर सबसे बड़ा स्टोर है। मैनेजर आकर देखती है कि उसको किसने बुलाया। वो जब अपने सामने छोटी सी स्कूल की लड़की को देखती है तो पहले तो वो शॉक हो जाती है, पर जल्दी ही उसको रियलाइज होता है ये कोई मामूली लड़की नहीं है। उनको अनाया के पास से काफी स्ट्रॉन्ग ओरा फील हो रहा था। वो अनाया के आंखों में देखती है तो उनकी माथे पर पसीना आ जाता है। वो ज्यादा देर तक उसकी आंखों में नहीं देख पाती। वो जल्दी से उससे अपनी नजर हटाती है और खुद को नॉर्मल करने के लिए इधर उधर अपनी नजरें घुमाती है। तभी उनकी अनाया के पीछे थोड़ी दूरी पर अपने बॉस का असिस्टेंट नितिन दिखाई देता है, जिसको देखकर उनको सारी बात समझ में आती है कि उनके आगे खड़ी ये छोटी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी बॉस की इकलौती बेटी और अब से AR ज्वेलरी की मालकिन है। वो अनाया को बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है। वो उससे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी मेघा कुछ बोलती है, जिसे सुनकर नितिन और मैनेजर के चेहरे पर गुस्से की लेकर उबर आती है। मैनेजर अनाया को बड़े ही पॉलिटली ग्रीट करके उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेघा राजावत बीच में ही बोलती है, मम आप क्यों इस मामूली लड़की को इतनी रिस्पेक्ट दे रही हो जिसकी इस शॉप से कुछ भी खरीदने की औकात नहीं है। इस वक्त मेघा अपने जलन में क्या कुछ नहीं बोल रही थी, ये खुद उसको पता नहीं था कि उसने खुद अपनी जलन के चलते पैरों पर डोंडा मारा है। मेघा की बात सुनकर नितिन और मैनेजर का चेहरा काका पट गया था। वो दोनों ही अनाया की तरफ देखते हैं, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशन नहीं थी। उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल था। अनाया अपने शांत चेहरे के साथ अपनी कोल्ड आवाज में मैनेजर से कहती है, ही माइसेल्फ अनाया मित्तल डेड चाहते है कि आज के बाद ज्वेलरी कंपनी को मैं देखूं, तो आज से आपको मुझे रिपोर्ट करना होगा और मैं इस स्टो में कुछ चेंजेस करना चाहती हूं। पहले तो मुझे इसके तरह के एमलाय अपने स्टो में नहीं चाहती, तो आप जल्दी से उसकी निकालो। ये सब होमेगा राजावत की तरफ देखकर कहती है। उसकी बात का मतलब मैनेजर अच्छे से समझ गई थी। वो अनाया से कहती है, जी मिस आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। इधर मेघा ने जब सुना कि उसके सामने की वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि मित्तल फैमिली की इकलौती बेटी थी, जिसे मित्तल फैमिली के बेटों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेघा सोचती है, पर ये तो अपने परिवार से दूर भागती थी ना, तो आज ये कैसे। इस वक्त मेघा अनाया को अपनी नफरत भरी नजर से देख रही थी। उसको जब पता चला कि वो मित्तल खानदान की प्रिंसेस है तो उसकी नफरत अनाया के प्रति और भी बढ़ गई थी। मैनेजर मेघा की तरफ देखकर कहती है, मेघा तुमको नौकरी से निकाला जाता है। तुम्हारी जो भी इस मंथ की सैलरी होगी वो काउंटर से जाते वक्त कलेक्ट करना। उसका इतना ही कहना था कि मेघा गुस्से से कहती है, आप मुझे ऐसा कैसे निकल सकती है, मैं ये पर सालों से कम कर रही हूँ। होगी ये मित्तल खानदान की बेटी, फिर भी ऐसे मुझे नहीं निकल सकती। मैनेजर मेघा की तरफ देखकर अपनी कोल्ड आवाज में उससे कहती है, मेघा राजावत यू आर फायर। तुम कितने भी साल से यह पर जॉब कर रही हो या से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ। तुम सब पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो और काम तो कुछ भी नहीं करना। तुमको और तुम्हारा कस्टमर के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं है। मैंने तुमको इतने दिन से इग्नोर किया, पर अब नहीं, अपना सामान सिमटो और निकलो ये से। उसकी बात सुनकर मेघा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर अब उसको यहाँ से जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो अनाया की तरफ नफरत और गुस्से से देखते हुए अपनी मंथ की सैलरी कलेक्ट करके वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही अनाया ने अपने फोन पर किसी को मैसेज कर दिया। उसके बाद उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में रख दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जो उसने जल्दी ही छुपा ली किसी के भी नजर आए बिना। अनाया मैनेजर की तरफ देखकर उससे कहती है, हमारे स्टोर में जो ज्वेलरी वो सारी ओल्ड फैशन है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। और साथ में ही ये जो लाइट है वो काफी डिम है, जिसकी वेजेस जो भी ज्वेलरी है वो अच्छे से
दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए पहले तो ये बल्ब चेंज करो और ज्यादा लाइट वाले बल्ब लगाओ। उसी के साथ वो अपने बैग से कुछ ज्वेलरी डिजाइन के पेपर मैनेजर को सौंप देती है और उससे कहती ही इस डिजाइन पर काम करना शुरू कर दो और इसके हर एक डिजाइन के 50 ज्वेलरी सेट रेडी करो। इसमें कितना टाइम लगेगा? मैनेजर अनाया को बड़े ही पॉलिटली ग्रीट करके उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेघा राजावत बीच में ही बोलती है, मम आप क्यों इस मामूली लड़की को इतनी रिस्पेक्ट दे रही हो जिसकी इस शॉप से कुछ भी खरीदने की औकात नहीं है। इस वक्त मेघा अपने जलन में क्या कुछ नहीं बोल रही थी, ये खुद उसको पता नहीं था कि उसने खुद अपनी जलन के चलते पैरों पर डोंडा मारा है। मेघा की बात सुनकर नितिन और मैनेजर का चेहरा काका पड़ गया था। वो दोनों ही अनाया की तरफ देखते हैं जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशन नहीं थी। उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल था। अनाया अपने शांत चेहरे के साथ अपनी कोल्ड आवाज में मैनेजर से कहती है, ही माइसेल्फ अनाया मित्तल डेड चाहते है कि आज के बाद ज्वेलरी कंपनी को मैं देखूं, तो आज से आपको मुझे रिपोर्ट करना होगा और मैं इस स्टोर में कुछ चेंजेस करना चाहती हूं। पहले तो मुझे इसके तरह के इमलाए अपने स्टोर में नहीं चाहती, तो आप जल्दी से उसकी निकालो। ये सब वो मेघा राजावत की तरफ देख कर कहती है। उसकी बात का मतलब मैनेजर अच्छे से समझ गई थी। वो अनाया से कहती है, जी मिस आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। इधर मेघा ने जब सुना कि उसके सामने की वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि मित्तल फैमिली की इकलौती बेटी थी जिसे मित्तल फैमिली के बेटों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेघा सोचती है पर ये तो अपने परिवार से दूर भागती थी ना, तो आज ये कैसे? इस वक्त मेघा अनाया को अपनी नफरत भरी नजर से देख रही थी। उसको जब पता चला कि वो मित्तल खानदान की प्रिंसेस है तो उसकी नफरत अनाया के प्रति और भी बढ़ गई थी। मैनेजर मेघा की तरफ देखकर कहती है, मेघा तुमको नौकरी से निकाला जाता है, तुम्हारी जो भी इस मंथ की सैलरी होगी वो काउंटर से जाते वक्त कलेक्ट करना। उसका इतना ही कहना था कि मेघा गुस्से से कहती है, आप मुझे ऐसा कैसे निकल सकती है, मैं ये पर सालों से कम कर रही हूँ, होगी ये मित्तल खानदान की बेटी फिर भी ऐसे मुझे नहीं निकल सकती। मैनेजर मेघा की तरफ देखकर अपनी कोल्ड आवाज में उससे कहती है, मेघा राजावत यू आर फायर्ड, तुम कितने भी साल से यह पर जॉब कर रही हो या से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ, तुम सब पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो और काम तो कुछ भी नहीं करना तुमको, और तुम्हारा कस्टमर के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं है। मैंने तुमको इतने दिन से इग्नोर किया पर अब नहीं, अपना सामान सिमटो और निकलो ये से। उसकी बात सुनकर मेघा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया पर अब उसको यहाँ से जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो अनाया की तरफ नफरत और गुस्से से देखते हुए अपनी मंथ की सैलरी कलेक्ट करके वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही अनाया ने अपने फोन पर किसी को मैसेज कर दिया। उसके बाद उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में रख दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जो उसने जल्दी ही छुपा ली किसी के भी नजर आए बिना। अनाया मैनेजर की तरफ देखकर उससे कहती है, हमारे स्टोर में जो ज्वेलरी वो सारी ओल्ड फैशन है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, और साथ में ही ये जो लाइट है वो काफी डिम है जिसकी वेजेस जो भी ज्वेलरी है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए पहले तो ये बल्ब चेंज करो और ज्यादा लाइट वाले बल्ब लगाओ। उसी के साथ वो अपने बैग से कुछ ज्वेलरी डिजाइन के पेपर मैनेजर को सौंप देती है और उससे कहती ही इस डिजाइन पर काम करना शुरू कर दो और इसके हर एक डिजाइन के 50 ज्वेलरी सेट रेडी करो। इसमें कितना टाइम लगेगा? इतना कहकर अनाया अपनी दादी को हग करती है। बड़ी माँ अनाया और दादी का बीच का प्यार देखकर बेहद खुश हो गई थी। वो खांसने का नाटक करते हुए कहती है, मैं भी हूँ रहा, कोई मुझे तो प्यार ही नहीं करता। इतना बोलकर उन्होंने अपना चेहरा सैड बनाया। बड़ी माँ का सैड चेहरा देखकर अनाया उनको भी हग करके कहती है, किसने कहा हम आपसे प्यार नहीं करते, हम आपसे भी और दादी से भी बेहद ज्यादा प्यार करते हैं। इतना कहकर वो तीनों एक दूसरे को एक टाइट हग करते हैं। उन तीनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उन तीनों का
ये प्यारा मोमेंट मेंशन में मौजूद सर्वेंट भी देख रहे थे जो बागवान से प्रार्थना कर रहे थे उनका प्यार ऐसा ही बना रहे। उन तीनों को ऐसे कोई और भी देख रहा था और उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। अनाया का ध्यान जब डोर की तरफ जाता है तो उसे वहां पर अपने डैड दादू और बड़े पापा अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उनकी तरफ ही देखते देख लेती है। वो उनसे कहती है, डैड दादू और बड़े पापा, आप लोग वहां पर क्या कर रहे हो? अंदर आयो ना, आप कब आ गए और कब से वहां पर खड़े हो? अनाया की आवाज से दादी और बड़ी माँ का ध्यान भी डोर की तरफ जाता है। वही डैड दादू और बड़े पापा अनाया की आवाज से होश में आते हैं, जो कब से उन तीनों का प्यार देखकर कहीं खो गए थे। वो तीनों ही उनके सामने सोफे पे बैठते हुए कहते हैं, प्रिंसेस सास तो लो और इतने सारे सवाल एक साथ। वैसे आपको हम बताएं, हम अभी थोड़ी देर पहले आए थे जब आप तीनों एक दूसरे को प्यार से हग कर रहे थे और आप लोगों का प्यार देखकर हम वहीं पर रुक गए थे। दादू कहते हैं, हमारी प्रिंसेस का आज का दिन कैसा था? सर्वेंट उन तीनों को पानी लाकर देता है। वो तीनों ही पानी पीते हैं और अनाया की तरफ उसके जवाब के लिए देखते है। अनाया खुशी खुशी उनको अपने आज के दिन के बारे में बताती थी। उसने उन सबको मेगा राजावत ने उसके साथ कैसा बिहेवियर किया उस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो सब ऐसी ही बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में लंच का टाइम हो गया। तीनों जेंट्स अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। फ्रेश होकर आकर सबने साथ में डिनर किया। एक दूसरे को गुड नाइट विश करके सारे अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अनाया अपने रूम में जाके थोड़ी देर स्टडी करती है। उसके बाद वो अपना लैपटॉप निकल कर उसमें कुछ करने लगती है। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी रिजल्ट भी मिल गया था जो उसको चाहिए था। वो अपना काम करके जब वो वॉच देखती है तो उसने 12 बजे है ये शो होता है। तो वो स्टडी टेबल से उठकर वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है। उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाके पूरा ब्लैक आउटफिट पहनती है। अनाया ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की हुडी ब्लैक जीन्स पैंट पहनी थी, पैरों में ब्लैक शूज पहने थे। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे जाके खड़ी हो जाती है। खुद को एक बार आईने में अच्छे से देखती है। उसके बाद अपने चेहरे पर मास्क लगाती है। वो अपने रूम की बालकनी में आती है। उसका रूम सेकंड फ्लोर पर था। उसकी बालकनी गार्डन के साइड में थी। वो उस बालकनी के साइड में लगे पाइप से नीचे उतरती है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड के नजरों से बचते बचाते मित्तल मैंशन के बैक गेट से बाहर चली जाती है। अनाया मित्तल मैंशन के बैक साइड थोड़ी दूर चलती है। उसे वहां पर एक ब्लैक कलर की जगुआ दिखती है। वो उसके पास जाके उसका बैक डोर खोलकर उसके अंदर बैठ जाती है। उसके उस कार में बैठते ही वो कार वहां से हवा की स्पीड से निकल जाती है। अनाया की कार आधे घंटे बाद जंगल के बीचों बीच बने एक बेहद ही खूबसूरत महल के सामने आकर रुकती है। वो महल चारों तरफ से पेड़ से गिरा था, इसलिए इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और वो महल जहां पर था वो एरिया जंगल के बीचों बीच थी, जहां पर खतरनाक जंगली जानवर रहते थे, इसलिए कोई भी वहां पर नहीं जाता था। इसलिए किसी को भी इस महल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अनाया कार से उतरकर उस खूबसूरत महल के अंदर एंटर करती है। अनाया इस महल में करीब 2 साल बाद आई थी। पिछली बार जब उसके परिवार की मौत हो गई थी, उसके बाद वो कभी यह पर आई ही नहीं थी। ये महल खुद अनाया ने बनवाया था। वो उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी। उसका मतलब उसने 3 साल पहले ये जगह ढूंढ कर यह पर महल बनवाया था। उसने जंगल के बीचों बीच ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी और उस पर 3 साल पहले ये खूबसूरत महल बनाया था, जो आज उसका सीक्रेट बेस था। अनाया उस महल के अंदर एंटर करती है। इस समय अनाया ने अपना अंपायर बनाया नहीं था, वो बस अभी स्टार्टिंग पॉइंट में थी। अनाया जब महल के अंदर जाती है तो वहां पर एक लड़का बैठा था, जो कि शायद अनाया का ही वेट कर रहा था। अनाया के साथ एक और लड़का उस महल में एंटर करता है। ये और कोई नहीं, वही है जिसने अनाया को ये पर लाया था। वो भी उसके साथ इस महल के अंदर एंटर करता है और उस लड़के के पास वाली सीट पर बैठता है।
अनाया भी उन दोनों के सामने वाले सोफे पे बैठ जाती है और उन दोनों को अपनी तीखी आंखों से गुरना लगती है। वो दोनों अनाया को खुद को गुरता देख के एक दूसरे की तरफ देखकर फिर अनाया की तरफ देखते हैं। आखिर उन दोनों कहां पर गलती की जो सामने बैठी छोटी सी शैतान उनको ऐसे गुर रही है। ये दोनों और कोई नहीं अनाया के राइट और लेफ्ट हैंड थे। इनमें से जो अभी अनाया को लेके आया था उसका नाम शेखर था, जो कि अनाया का लेफ्ट हैंड था, जो कि अभी 22 साल का था, और दूसरा विवान जो अनाया का राइट हैंड था, ये भी 22 साल का ही था। विवान और शेखर दोनों ही जुड़वा भाई थे, दोनों ही अनाथ थे। आज वो दोनों जो जिंदगी जी रहे थे, ये या कहे वो जिंदा है, वो सिर्फ और सिर्फ अनाया के वजह से। करीब 4 साल पहले अनाया 11 साल की थी, तब उसने इन दोनों की जान बचाई थी। ये उस वक्त बेहद ही जख्मी हालत में थे, क्योंकि इनके ही परिवार में से कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए इनको मारने की साजिश की थी, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो गए थे, पर अनाया ने उन दोनों की बचा लिया था। तब से ये लोग अनाया के साथ ही है, ये उसको अपनी बहन मानते थे। उन दोनों के लिए अब अनाया ही उनकी सब कुछ थी। अनाया भी ये बात अच्छे से जानती थी। अनाया को खुद को गुरता देख शेखर डरते हुए उससे कहता है, क्या हुआ अनु, तुम हम दोनों के ऐसा क्यों गुर रही हो, कुछ गलती हुई है क्या हमसे। उसकी बात पर अनाया उससे कहती है, एसआर शेखर रॉय, तुम दोनों को नहीं पता तुम दोनों ने क्या किया है। तुम दोनों ऐसे कैसे खुले आम घूम सकते हो। तुम दोनों की ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं अब तक, और तुम दोनों ऐसे अभी उनके सामने नहीं जा सकते हो। ये तो अच्छा हुआ कि किसी के भी नजर में आने से पहले मैंने सब जग का सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की। अब इस बात पर तुम दोनों क्या कहेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। अनाया की बात सुनकर दोनों ही अपना सिर झुका के उससे सॉरी कहते हैं। एक्चुअली शेखर और विवान रॉय दोनों ही आज अपने कुछ काम से मॉल गए थे। वहां पर उन्हें उनका सिते का भाई अमन दिखा, जो उनसे बिना बात के झगड़ पड़ा था। हालांकि उसने इन दोनों को पहचाना नहीं था, इन्होंने मास्क पहना था, पर जब अमन ने खुद इनसे सामने से पंगा लिया तो इन दोनों ने भी उसको बेहद पीटा। बात पुलिस तक पहुंचने वाली थी, पर जब अनाया को इस बारे में पता चला तो उसने अपने कॉन्टेक्ट लगाकर सब अपने कंट्रोल में ले लिया, और शेखर और विवान को कोई पहचान न पाए, इसलिए उसने सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की थी। अनाया उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता देख उनको माफ करती है और उनसे कहती है, तुम दोनों को जो काम सोफा था वो हो गया। उस पर वो दोनों अपना सिर ऊपर करके कहते हैं, अनु तुमने कुछ कहा है और हमने नहीं किया, ऐसा कभी हुआ है क्या। शेखर अनाया की तरफ देखकर कहता है, वो इस वक्त टॉर्चर रूम में है, मारिया उसकी अच्छे से खातिरदारी कर रही है। ये बोल के दोनों ही हंसने लगते हैं। ये सुन के अनाया के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आती है। वो वहां से उठकर उस महल में बने टॉर्चर रूम की तरफ जाने लगती है। उसके पीछे शेखर और विवान भी जाते हैं। जब वो तीनों ही टॉर्चर रूम में एंटर करते हैं तो उस रूम का नजारा देख तीनों ही अपने जगह पर शोक में खड़े होते हैं। अनाया जल्दी ही अपने होश में आती है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद ही खतरनाक थे। अगर कोई उसको ऐसे देखता तो किसी को भी विश्वास ही नहीं होता। जो मासूम और प्यारी अनाया थी, जो मित्तल मेंशन में रहती थी, अनाया अपने कोल्ड और रूड आवाज में कुछ कहती है जिससे सभी अपने जगह पर जम जाते हैं। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।